इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे शहर बेलगाम में दो मौजूदों पर बहस जारी है, एक तो कोरोना की महामारी और दूसरी है सतीश जारकिहोली की हार। सियासी खबरें आज भी जारी हैं। बंगाल में मोदी हुकूमत को करारा तमाचा मारने के बाद सियासी रुख तब्दील होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष को तकवियत हासिल हुई है। विदेशी मीडिया ने भी ममता बनर्जी की जीत की भरपूर तारीफ फरमाते हुए मुकम्मल मरकजी हुकूमत के तमाम आमिले का मुकाबला तन्हा एक खातून ने कैसे किया, इसका तबसरा करते दिखाई दे रहे हैं। कल ममता बनर्जी तीसरी मरतबा वजीर आला का हल्फ लेंगे। उन्होंने मुल्क के तमाम दिगर सियासी पार्टियों से मोदी और अमित शाह की हुकुमशाही को खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि अगर मुल्क को अमन मोहब्बत भाईचारे की बुनियाद पर तरक्की की राहों को हमवार करना है तो फिरका परस्त ताकतों को इख्तदार से नीचे खींचना होगा। अगर हम सब एक साथ मुकाबला करेंगे तो मोदी हुकूमत का सफाया जरूर किया जा सकता है। लिहाजा 2024 के लिए मंसूबाबंदी जारी है और तमाम हम ख्याल पार्टियों से मशवरा जारी किया जा रहा है। ऐसा भी ममता बनर्जी ने मोदी हुकूमत को बंगाल में शिकस्त देने के बाद कहा। अगर बेलगाम लोकसभा में सतीश जारकिहोली की हार का तबसरा करेंगे तो यह हार भी बहुत कुछ बयान करती है। वैसे कहा जाता है कि जारकिहोली फैमिली का रियासत के सियासत में अहम किरदार रहा है, पर पिछले कुछ महीनों से जारकिहोली फैमिली के लिए बुरे दिन चल रहे। जब से रमेश जारकिहोली का सीढ़ी मामला हुआ है, रमेश जारकिहोली को इस्तीफा देकर गोशा नशीनी इख्तियार करने की नौबत आई है, तो हाल के चुनाव में किसी तरह की शिरकत करना मुमकिन भी ना हो सका। लिहाजा कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले रमेश जारकिहोली को वजारत का लुत्फ भी तवील अरसे तक उठाना नहीं पड़ा, पर किसी दूसरे लुत्फ में वजारत भी गंवानी पड़ी। खैर, इसका बड़ा असर रियासत की सियासत पर नजर आया। सतीश जारकिहोली को मास्टर माइंड के तौर पर देखा जाता है और हकीकत में देखा जाए तो बेहतर मनसूबाबंदी के माहिर कहे जाते हैं। अब जब इन्हें जमन इंतखाबात में महज 5000 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा तो आगे की मनसूबाबंदी पर भी इसका असर होना लाजिम है। सियासत में हर शिकस्त और जीत के मायने रखे जाते हैं। हार के बाद दोबारा उभर कर आना सबके बस की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं कि सतीश जारकिहोली अमकन मंडी के MLA हैं तो यह हार कुछ अहमियत नहीं रखती है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि इस हार का भी असर हो सकता है। ताज्जुब तो इस बात का है कि गोकाक हलके में ही इन्हें कम वोट मिले हैं। कहने का मतलब गोकाक जारकिहोली फैमिली का गढ़ कहा जाता है, पर यहाँ सतीश जारकिहोली 8000 वोट नहीं मिले, जिसका नतीजा यह हुआ कि 5000 से कुछ ज्यादा वोट मंगला अंगड़ी को हासिल हुए, जी उसी से उन्हें जीत भी हासिल हुई। कांग्रेस के वोट भाजपा लेने में कामयाब हुई। अब इन वोटों को शायद रमेश जारकिहोली पार्टी में अपनी साख को बरकरार रखने की कोशिश में भाजपा को जिताया हो, पर क्या यह हार जारकिहोली भाइयों की फैलिया फायदेमंद होगी? क्या भाजपा वाकई रमेश जारकिहोली को दोबारा उसी मकाम पर बैठने को देगी? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि भाजपा में धर्म की सियासत खेली जाती है, यहाँ पर आला और पिछड़ा समाज का भी खेल खेला जाता है। लिहाजा रमेश जारकिहोली का अगर सतीश जारकिहोली की शिकस्त में दखल है तो इसका फायदा रमेश जारकिहोली को भी नहीं होगा, क्योंकि भाजपा सत्ता तक पहुंचने के लिए महज सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है। अब सीढ़ी मामला सरगर्म है। SIT बार बार तफ्तीश के लिए बुला रही है, उधर सीढ़ी गर्ल भी नए नए बयान के जरिए सुर्खियों में रहती है। हासिल इत्तला के मुताबिक रमेश जारकिहोली को जेल भी हो सकती है। अगर इस तरह का मामला हो जाए तो रमेश जारकिहोली का सियासी मुस्तकबिल तारीखी होगा। इधर सतीश जारकिहोली की भी हार भले ही अमकन मंडी के MLA क्यों ना हो, पर सतीश जारकिहोली की हार भी यह बयान करती है कि अवाम पर इनकी पकड़ कहीं तो भी छूटती नजर आ रही है। एक और बात इस चुनाव में महसूस कर सकते हैं कि MES ने 1.25 लाख के करीब वोटों को हासिल किया, पहले जो भाजपा के थे। इस बात से यह जाहिर हुआ कि मराठी वोटों का फायदा कांग्रेस को हो सकता है। MES की बढ़ती मकबूलियत अब हिंदुत्व से हटकर मराठी अस्मिता की तरफ माइल होती दिखाई दे रही है। वैसे भी भाजपा के MP या MLA ने कोई खास कामों को शहर में या शहर के अतराफ में अंजाम नहीं दिया है, ये भी उतना ही मायने रखता है कि शुभम शेड़के की शक्ल में मराठियों को नौजवान का ही जरूर मिला। अगर इस चुनाव के मद्देनजर बेलगाम साउथ का अगर MLA कहा जाए तो गलत साबित न होगा। शिवसेना का ताउन भी MES को रहा और संजय राउत जैसे दिग्गज लीडरों की आमद भी शुभम शेड़के के लिए कुवत ही हासिल हुई। इसके और यही वजह रही कि सतीश जारकिहोली कड़ा मुकाबला देने में कामयाब। इससे पहले डॉक्टर सादनावर कांग्रेस के उम्मीदवार 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार चुके हैं। मतलब मराठी वोटों का काटना
भाजपा के वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट की वजह रहा। मंगल अंगड़ी का कोई सियासी पस मंजर नहीं है, सुरेश अंगड़ी ने भी कुछ ऐसे कामों को अंजाम नहीं दिया है। मोदी लहर पर सवार होकर इससे पहले जीत हासिल हुई थी यकीनन। आखिर तक मुकाबला दिलचस्प रहा, पर यह भी सोचना जरूरी है कि मंगल अंगड़ी की जीत सती जारकीहोली को सहज नहीं बना सकती। खैर, कुल मिलाकर आने वाले 2024 के लिए जारकीहोली भाइयों के लिए चुनौती भरा रहेगा। अगर यह जीत वाकई होती तो रियासत के लिए कांग्रेस से वजीर आला का चेहरा सती जारकीहोली हो सकते थे। भाजपा भले ही बेलगाम लोकसभा में जीत दर्ज की हो, पर यह जीत भी भाजपा की हार का ही आगाज कहा जा सकता है। अभी 2 साल है, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन नजर तो आ रहा है। कांग्रेस दोबारा इख्तदार पजीर हो सकती है, पर इस सत्ता परिवर्तन में जो मकाम, जो रोब सतीश जारकीहोली का हो सकता है, वह इस हार से कम हो चुका है। इसे कबूल करना ही पड़ेगा। बेलगाम शहर में ऑक्सीजन की कमी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। कई मरीज आज भी ऑक्सीजन न मिलने से मौत के घाट उतर रहे। सदाशिव नगर शमशान घाट में हर रोज लाशें जल रही है। अंजुमन कब्रिस्तान में भी हर रोज दफन किए जा रहे हैं। कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी अब खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। कल के चामराजनगर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन न होने की वजह से 24 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली, बम्बई, जयपुर, मुजफ्फरनगर, गुजरात समेत और भी अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने की वजह से हर रोज सैकड़ों की मौत हो रही है। जाकिर नायक अस्पताल में भी 22 मरीजों की मौत हो गई। लिहाजा हर रोज मरने वालों के घर वालों ने हुकूमत से भी फरियाद की। उधर अस्पताल वालों ने ऑक्सीजन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। बाहरी मुल्कों से आने वाले ऑक्सीजन तो जरूरत के हिसाब से ना के बराबर है। मरीजों के घर वाले खुद ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के सामने खुद कतार लगाए खड़े। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, जयपुर, दिल्ली जैसे हालात बेलगाम शहर में अभी नजर नहीं आ रहे, पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे। कई जगहों पर कोविड सेंटर भी खोले जा रहे हैं, पर ऑक्सीजन की कमी को कैसा पूरा करें, यह सवाल भी आन खड़ा है। तमाम अस्पतालों में मरीजों की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर बेड भी है तो असल ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूर किया जाए। हैदराबाद में तो ऑक्सीजन के लिए इतनी भीड़ हुई कि आखिर में बाउंसरों को बुलाना पड़ा। बेलगाम में ऑक्सीजन की कमी की एक वजह महाराष्ट्र भी हो सकता है, क्योंकि देश के एक तिहाई मरीज महाराष्ट्र से ही है और यहाँ ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अंजुमन अलिकरा और दिगर इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ चुकी है। पूरे मुल्क में ऑक्सीजन की मांग पहले 700 मेट्रिक टन हुआ करती थी, पर जब से कोविड शुरू हुआ है 5000 मेट्रिक टन की पैदावार भी कम पड़ रही है। अब तो हर रोज 7200 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। एक और अहम बात यह है कि आसाम, गुवाहाटी में ऑक्सीजन प्लांट है और जरूरत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक की है। फासला बहुत दूर का है, लिहाजा उद्धव ठाकरे ने एयरलिफ्ट के जरिए ऑक्सीजन को पहुंचाने की मांग मोदी हुकूमत को की है। प्लांट से सड़क के रास्ते टैंकरों के जरिए ऑक्सीजन लाया जा रहा है। हादसे के डर से 40 से ज्यादा स्पीड से टैंकर नहीं चलाया जा सकते और रात में भी अक्सर गाड़ियां नहीं चलती। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर भी घंटों कतार में टैंकरों को खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मरीजों तक वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा। अक्सर लोगों को ऑक्सीजन के बारे में भी जानने को महसूस किया जा रहा। आखिर ऑक्सीजन है क्या? लिक्विड ऑक्सीजन हल्के नीले रंग की और काफी ठंडी होती है। यह क्रायोजेनिक गैस होती है जिसका टेम्परेचर 183 सेंटीग्रेड होता है। इसे खास सिलेंडरों और टैंकरों में ही ले जाया जा सकता है और रखा जा सकता है। भारत में लगभग 500 फैक्ट्रियां हवा से ऑक्सीजन निकालने और इसे साफ करने का काम करती है, जिसके बाद इसे लिक्विड में बदलकर अस्पतालों के लिए भेजा जाता है। ज्यादातर गैस की सप्लाई टैंकरों से की जाती है। बड़े अस्पतालों के पास अपने टैंक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी जाती है और फिर वहीं से यह मरीज के बिस्तर तक सप्लाई होती है। छोटे और टेम्पररी अस्पताल जैसे कोविड सेंटर वगैरह बनाए जा रहे हैं। अभी हम बेलगाम में भी कोविड सेंटर देख रहे हैं। यहाँ छोटे स्टील और एल्यूमिनियम के सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं, जो हम अक्सर घरों में मरीजों को सांस की तकलीफ होने पर लगाते हैं। खैर, बेलगाम में ऑक्सीजन की कमी बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा है। इतना यह भी हासिल हुई है कि पिछले कुछ दिन में 40 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, पर सभी के कोरोना से हुई, इसका इनकार बेलगाम कॉर्पोरेशन की जानिब से किया गया। बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक आवाजें ऑक्सीजन की लगाई जा रही है। हुकूमतें भी बेबस नजर आ रही है। अब तो अदालत ने भी फटकार लगाई है, पर क्या महज अदालती फटकार से ऑक्सीजन की कमी मुकम्मल होगी या नकारा हुकूमतों पर भी कार्रवाई होगी? ऐसा सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमतों की गलत नीतियों की कीमत लाखों टूटती सांसों के जरिए चुकाया जा रहा है, और जब सांसें टूटती हैं तो दोबारा लौटाई नहीं जा सकती, यह सच्चाई है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।